In an engineering college, total expenditure on students for a particular course is partly fixed and the rest varies linearly with the number of students. The average expense per student is ₹4,200 when there are 36 students, and it becomes ₹3,500 when there are 45 students. What is the average expense when there are 60 students? इसमें ऊपर में दो स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पर थर्ड स्टेटमेंट को कैलकुलेट करना है. मान लीजिए आपका फिक्स कॉस्ट x है और वेरिंग कॉस्ट y कंसीडर कर लेते हैं. तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से यानी द एवरेज एक्सपेंस पर स्टूडेंट 4200 से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाता है, फिक्स कॉस्ट प्लस y अपॉन 36 इक्वल्स 4200. सिमिलरली दूसरे वाले स्टेटमेंट से x प्लस y अपॉन 45 स्टूडेंट्स इक्वल्स 3500. इस दोनों को अगर कैलकुलेट करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, x x कैंसिल हो जाएगा, इसमें y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 45, और इस दोनों का डिफरेंस 700 आ जाता है. और y आपका लिख सकते हैं हम लोग 700 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 45 अपॉन ये 45 यहां पर माइनस 36 दैट इज 9 9 4 सर ये 45 4 जा, तो इसको एक बार डबल करें 90, फिर डबल करें 180. तो बेसिकली आपका y आ गया 700 इंटू 180. इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में अगर पुट करें तो हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x मान लीजिए पहले वाले में पुट करते हैं, x इक्वल्स 4200 माइनस y का वैल्यू 700 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 36. ये 5 से दिख रहा है, ये हो जाएगा 4200 माइनस 3500 700. ठीक है, x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू मेरा ये है. तो फाइनली 60 स्टूडेंट के लिए ये चीज कैलकुलेट करते हैं. तो x दैट इज 700 प्लस y 700 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 60. ये एवरेज एक्सपेंस दे देगा 60 स्टूडेंट के लिए, 63 जा तो 73 जा 2100 प्लस 700 दैट इज 2800. यही आपका आंसर है जो कि चॉइस वन में है. चलिए, थैंक यू.